आसमान प्यार वांगू ओए मजलूम और कोई नहीं ओए चालिया दिना दा प्यासा मखदूम और कोई नहीं उस्मान प्यार वांगू मजलूम और कोई नहीं ओए चालिया दिना दा प्यासा मखदूम और कोई नहीं ओ जिन्ना शहीद की तए टोला यहूदियां दा निकले लहू दे कतरे ओए कुरान ते जा समाए वनऊजु बिल्लाह मिन शुरूर अनफुसना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني فهما ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कोई जबत दे ना जलाल दे मुझे सिर्फ इतना कमाल दे मुझे अपनी राह पे डाल दे के जमाना मेरी मिसाल दे तेरी रहमतों का नजूल हो मेरी मेहनतों का सिला मिले मुझे मालो जर की हवस ना हो मुझे बस तो रिज़्क़े हलाल दे तेरी बारगाह में खुदा मेरी रोज़ो शब है यही दुआ तू रहीम है तू करीम है हमें मुश्किलों से निकाल दे या इलाही हमें आमिल कुरान कर दे फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे वो पैगंबर जिसे सरताज रुसुल कहते हैं उस पैगंबर का हमें ताबे फरमा कर दे और या इलाही इस दुनिया में कोई नेक काम कर जाऊं अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं और क्यों ना हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दिनों में
उधर मजहब किताबों में इधर कुरान सीनों में। जेड़ा हक नहीं मानता है दरनो ईमान यकीन ते नहीं आया। उस्मान दिशान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। ते जेड़ा राज को मरदा मुनकिर है ओ बशर जे दीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूक है ता वत सच जमीन ते नहीं आया। सिद्दीक दी पाक सदाकत ते जेड़ा जरब लगावे लानतिये मन सबा सहाबी। फरमाया जेड़ा मेरे सहाबा नू गाल कड़े उन्दे ते अल्लाह दी लानत। उची बोलो किंदी लानत? जिन्हों अल्लाह ने जुबान दिती है सहाबा दे हक अंदर चलाओ बोलो किंदी लानत? सिद्दीक दी पाक सदाकत ते जेड़ा जरब लगावे लानतिये। फारूक दी पाक अदालत ते जुबान चलावे लानती। उस्मान दी पाक सखावत दा इनकार करावे लानतिये। हैदर दी पाक शुजात ते जेड़ा उंगल उठावे लानतिये। असहाब दा दुश्मन मथे ते मेहराब सजावे लानतिये। उस्मान दी पाक शहादत ते जेड़ा ईद मनावे गूंगियां नू छुट्टी बाकी बोले ओ जेड़ा ईद मनावे लानतिये। तमाम किस्म दी हमदो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जाते अकदसो आला बाला वास्ते जो कुल कायनात दा दाता मुश्किल कुशा हाजत रवा गौसे आजम दस्तगीर अला कुल शैइन कदीरे अनगिनत ला तादाद बेहदो हिसाब दरूदो सलाम आकाए दो जहां सरवरे कायनात मेरे और तुआडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते पाक वास्ते। अल्लाह मुश्किल कुशादा जितना भी शुक्र अदा करिए थोड़े जिस रब्बुल आलमीन ने सानू सारिया नू बरवकत अपने पाक बरकतां वाले रहमतां वाले अजमतां वाले घर दे अंदर जमा फरमाए। यकीनन अल्लाह दी तौफीक तो बगैर ना ही बंदा नेकी कर सकदे और ना ही गुनाह तो बच सकदे। अल्लाह तेनू तेरे चेहरे दे नूर दा वास्ता साडा सारिया दा बर वक्त आना अपनी बारगाह अंदर कबूल करके नेकी करन दी ते गुनाह तो बचन दी तौफीक अता फरमा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा जुमे वाले दिन छोटे छोटे छे काम करके मस्जिद की तरफ आंदा है खुद गुसल कर दे घर वालियां नू गुसल दी तलकीन कर दे साफ सुथरा लिबास अपनी ताकत के मुताबिक पहन के मस्जिद की तरफ पैदल आंदा है इमाम दे करीब होके बैठन की कोशिश कर दे दुराने खुतबा कोई लुगव काम नहीं करता। अल्लाह उस बंदे नू एक साल दे नफली रोजियां दा और एक साल दे नफली कयाम दा सवाब अता फरमांदा है।
मस्जिद के अंदर गोडे पकड़ के बैठना वैसे ही मस्जिद के अदाब के खिलाफ है। फिर जुमे के अंदर बड़ी गैर मुनासिब जी बात है। अल्लाह तेनू तेरी रहमत दा वास्ता, तेनू तेरे चेहरे दे नूर दा वास्ता, मैनू हक सच बयान करके पहले मैनू फिर आप हबाब नू अमल करन दी तौफीक अता फरमा। ज़ुलहज्जा हुरमत वाले महीनिया दे अंदरों एक महीने है, हुरमत वाले चार महीने ने, तीन तरतीब दे नाल ने, चौथा महीना रजब दा। ज़ुलहज्जा दे अंदर तकरीबन तमाम बुनियादी इबादतां इकट्ठियां हो जांदियां ने, नमाज, रोजा, हज, सदका, खिरात, ज़कात। इसे पाक महीने दे अंदर हज जैसा अजीम फरीजा अल्लाह जिन्ने इस साल हज कीता है, मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अतीकुल्ला सलफी हाफिज़हुल्लाह समेत तमाम दा हज अपनी बारगाह च कबूल फरमा। अल्लाह जिन्ने भी बैठे हाँ पर्दे अंदर मुअज्जज़ात मेरिया मावां भैणा बेटियां, अल्लाह तमाम नू बैतुल्ला दा तवाफ नसीब फरमा। 18 ज़िलहज्जा यौमे वफात अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लाडले और दोहरे दमाद और मुसलमाना दे तीसरे खलीफा किन्ना दे, उची बोलियो मुसलमानों किन्ना दे, मुसलमाना दे तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहो दी शहादत पाके। उसे मुनासबत दे नाल चंद गुजारशात और यूरोप ममालक दे अंदर आए दिन कुरान पाक दी तौहीन कीती जांदी है। वजह मुसलमाना नू टेस्टर ला के चेक कर देने कि इन्हां दे अंदर ईमानी गैरत किन्नी क बाकी है। कुरान पाक कयामत तक मेरे नबी दा जिंदा रहन वाला मोजज़ा, जिसनू नाजल करन वाला भी अल्लाह ते जिंदी हिफाजत करन वाला भी, तवज्जो मेरे वाल रखो, हिफाजत करन वाला भी, चार किताबां आसमान तो आईयां ने, तुरात, जबूर, इंजील। पहलियां तीन भी नबियां ते नाजल होईयां ने, पर अल्लाह ने हिफाजत दा जिम्मा नहीं लिया। यही वजह है तुरात, जबूर, इंजील बदलियां गईयां, पर कुरान पूरी दुनिया का चक्कर लगाइए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुहानू कुरान की जेर जबर अंदर भी फर्क नजर आएगा। रूस ने ऐसे अयाम भी गुजरे के कुरान पाक दे जितने नुस्खे सन उस वक्त की सुपर पावर रूस, तमाम नुस्खे समुंदर बुर्द कर दिते, जला दिते। अल्लाह ने ऐसी मार मारी अरब ममालक दे अंदरों राशन दे बहरी जहाज आंदे ने, ते बादशाहां दी शर्त ए हुंदी ए एक बहरी जहाज अंदर खाण पीन दा समान होएगा ते दूजे बहरी जहाज अंदर कुरान पाक होणगे। कहो सुभान अल्लाह। जिन्हां ने कुरान पाक दे नुस्खियां नू खत्म करन दी कोशिश कीती, अल्लाह ने उन्हां दे हत्थों पूरे रूस दे अंदर कुरान पाक दे नुस्खे वंडाए। घर घर नाले राशन देंदे ने, नाले कुरान पाक दे नुस्खे देंदे ने। कुरान पाक जेड़ा इस वक्त इस हालत दे अंदर मौजूद है, दो जिल्दा दे विच 30 सिपारे, उची बोलो किन्ने, जिन्हां दे 3 ने 30 वाले बोलो, 40 वाले चुप रहो, किन्ने 30 सिपारे। इस शक्ल दे अंदर नहीं सी, आमीना दे लाल चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम नुस्खे जमा कीते,
हाफज़े कुरान जमा कीते, चमड़े ते लिखिया होया कुरान, पत्तियां ते लिखिया होया कुरान, कपड़े ते लिखिया होया कुरान, यानी जामिउल कुरान, कुरान नु जमा करन वाला अबू बकर है। उची बोलियो कौन है? जेड़ा अबू बकर दी सदाकत च शक कर दे, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, कुरान दा मुनकर है। उन्दे नजदीक कुरान सच्चा नहीं, जिंदा ए अकीदा है ना कि अली दा पहला नंबर, उन्दे नजदीक पहले तीन नाउज बिल्ला माज अल्लाह डाकू ने जिन्होंने कुरान जमा कीते ते जमा करके नशर कीते। हजरत उमर ने कुरान पाक दी तरतीब अल्लाह दे हुक्म दे नाल, फिर हजरत उस्मान ने इस कुरान दे 80 नुस्खे पूरी दुनिया के अंदर फैलाए। आज भी वो कुरान यानी नाशिरुल कुरान, कुरान नू पूरी दुनिया च फैलाण वाला उस्मान है। उची बोलो कौन है? उस्मान है। मोहब्बत ना बोलो कौन है? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो। बाद रवायात अंदर आंदे सैयदना उस्मान एक रात अंदर दो दो तीन तीन मरतबा कुरान पाक मुकम्मल कर लेंदे। आम सुनने वाला बंदा हैरान होएगा, एक केंजो हो सकता है? कभी किसी हाफज नू खिला रहे हो तो तुहानू इंशाल्लाह पंजा छियां घंटियां च पूरा कुरान सुना देगा। उस्मान नू कुरान नाल प्यार और कुरान ते अबूर इतने, एक रात अंदर कई कई मरतबा कुरान ने पाक पढ़ जांदे। और कौन उस्मान? जिंदे बारे आमिना दे लाल ने फरमाया, उस्मान अज तो बाद कोई नेकी करो ते भावे ना करो, अल्लाह ने जन्नत तुहाडे नामे ला दिती है। कौन उस्मान? जिन्हां नू अल्लाह ने इनफरादी हसीयत अता कीती कि आदम तो लेके कयामत तक किसे होर इंसान को ए हसीयत और मुकाम नहीं। केड़ा? एक नबी दियां दो बेटियां। उची बोलो एक नबी दियां, जिन्हू नबी दियां धियां नाल प्यार है, मुहब्बत ना बोलो एक नबी दियां। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा, हजरते दी वकार दरा गौर करो, हजरते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालो, अल्लाह दे नबी पाक नल प्यार करने वालो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां नू मावां मनने वालो, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा अहले बैत नाल अकीदत रखने वालो, मुसलमानो रब्बे कायनात दा कुरान अल्लाह फरमांदे ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे रसूल ने वल्लज़ीन माअहु ते जेड़े कोंदे नाल ने अशिद्दाउ अलल कुफारी काफरां ते सख्त ने रुहमाउ बैनहुम आपस अंदर नरम ने, अल्लाह फरमांदे ने तराहुम रुकअन सुज्जदैन यबतगूना फज़लम मिन अल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह फरमांदे ने लोको बहुते सजदे करन वाले बहुते रकू करन वाले अल्लाह दा फजल तलाश करन वाले तुसी उन्हां नूं पहचानोगे, सीमाहुम फी वजूही मिन असरी सुजूद उन्हां दे चेहरियां तो सजदियां दे निशाना दी वजह तो, अल्लाह फरमांदे ने ज़ालिका मसलुहुम फी तौराती व मसलुहुम फिल इंजील, मुसलमानों मैं नबी दे यारां दा तज़करा मूसा ते नाज़िल होण वाली तुरात अंदर भी कीता, ईसा ते नाज़िल होण वाली इंजील अंदर भी कीता, यानी नबी दे यार अजे दुनिया ते नहीं आए। अल्लाह ने जिक्रे खैर पहले फरमाया, कुरान पाक दियां चंद आयतां सुनिए, अल्लाह फरमांदे ने फ़किन्ना मनो बिमिसली मा कामा तुम बिही फका देता दो, अल्लाह फरमांदे ने मोमिनो मैनू ईमान चाहिए नबी दे पाक सहाबा वरगा,
कलमा चाहिए, नमाज चाहिए, रोजा चाहिए, सदका खिरात जकात हा जुमरे का तरीका नबी नाल प्यार चाहिए, सहाबा वर्गा उची बोले हो किन्ना वर्गा, अल्लाह जड़ा उची बोले हो जदा बना दे किन्ना वर्गा, सहाबा वर्गा वरना तुहाडा ईमान बर्बाद। अल्लाह फरमांदे ने वअलमु अन्न फीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरि मिनल अमरि लअनितुम वला किन्नल्लाह हब्बा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इसयान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह फरमांदे ने मोमिनो जेड़े ईमान की वजह तो मैं तुहानू सारियां नू इज्जतां दित्तियां ने, इमाम नू इज्जतां दित्तियां ने, खतीब नू इज्जतां दित्तियां ने, मस्जिद दे सदर नू इज्जतां दित्तियां ने। अल्लाह फरमांदे ने जिस ईमान की वजह तो मैं शेखुल हदीसां नू इज्जतां दित्तियां ने, मैं वड्डे वड्डे मौलवियां ते इमामां नू इज्जतां दित्तियां ने, उस ईमान नू मैं नबी दे बेलियां की वजह तो इज्जत अता फरमाई। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इसयान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाहु अकबर अल्लाह किते अल्लाह फरमांदे ने ओए कायनात वाले ओ उलाइका हुमुल फाइजून उलाइका हुमुल मुफलिहून। मुसलमानो मेरे नबी दा हर यारी आला, मेरे नबी दा हर यारी शान वाला, मेरे नबी दा हर यारी मुकाम वाला, इंज कहिए मेरे नबी दा हर यार जनती है, उची बोलो मेरे नबी दा हर यार। नहीं नहीं फरिश्ते लेखरे ने गोडे छाड़ के सजा चौके गवाही पाओ मेरे नबी दा हर यार। अल्लाह दी इज्जत दी कसमें जनती है 144,000 सहाबा अबू बकर दी अलीफ तो लेके मुआविया दी याद तक किसे एक सहाबी दा बुगज भी दिल अंदर रखन वाला। अल्लाह दी कसमें मोमन ते बड़ी दूर है, ईमान वाला मुसलमान नहीं जे हो सकता। पर लोको जेड़ी हस्ती का जिक्र मैं करना चाह रहा वा, हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावा, 14 कातिबे कुरान ने यानी कुरान की किताबत करने वाले उन्होंने अंदरों 6वां नंबर है अमीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दा, तीसरा नंबर है हजरत उस्मान दा। ए उस्मान कौन है? वाके फील तो 5 साल बाद पैदा होने वाले मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे रिश्तेदार ने। हजरत अबू बकर दे कहन ते कलमा पढ़े आओ वस्साबिकून अल्लावलून मिनल मुहाजिरीना वल्लंसार, सबकत लेके जान वाला उस्मान है, सबकत लेके जान वाला उस्मान है। फैसलाबादियो अल्लाह ने हिजरत दा हुक्म दिता, सैयद बुखारी दी रवायते पाके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरमाया लोको हजरत लूत अलैहिस्सलाम तो बाद अल्लाह दी जमीन ते पहला जोड़ा उस्मान ते रुकैया दा जोड़ा जिन्हां ने अल्लाह वास्ते हिजरतां कीतियां। उस्मान ने दोरियां हिजरतां कीतियां, पहले हबशे दी तरफ गए ने फिर मदीने दी तरफ गए ने। अल्लाह फरमांदे ने वस्साबिकून अल्लावलूना मिनल मुहाजिरीन वल्लंसार, सबकत लेके जान वाले, सबकत लेके जान वाले। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दा सही नाम अब्दुल्ला, अबू उमर कुनिया ते जुनू रहन लगे, वालद दा नाम अफान। अल्लाहु अकबर अल्लाह मुसलमानो ए उस्मान गनी कौन है? जे तो खिलाफत संभालिए 5,000 याद कर लो, कोई काले मुंह वाला, कोई काले दिल वाला, कोई काली जुबान वाला, कोई काले दिमाग वाला, कोई गंदे चेहरे वाला उस्मान दे बारे बकवास करे कि उस्मान ने नाउज बिल्ला खिलाफत दे बैन तो बाद अपने लोगों नू नवाजिया, उनका मुंह बंद करने ते उन्हों कहने उन्हों कहने बेईमाना, जदों उस्मान ने खिलाफत संभाली है 5,000
हजार गुलाम। उची बोले ओ किन्ने हजार गूंगिया नो छुट्टी है, बाकी बोलो किन्ने हजार। पांच हजार गुलाम हजरत उस्मान दा माल संभालन वाला, आप दे मवेशी संभालन वाला, आप दे ऊंठा नो चारण वाला, आप दियां बकरियां नो चारण वाला। फैसलाबादियो हजरत उस्मान खुद फरमांदे ने, मैं कोई जुमा ऐसा नहीं जेड़ा जुमा पढ़िया होवे या पढ़ाया होवे उस तो पहले गुलाम आजाद ना कीता होवे। जिस दिन वफात पाईए एक गुलाम भी मौजूद नहीं। मेरे नबी मदीना पाक आए ने, अल्लाह के नबी ने आके चंदे का ऐलान किया। हजरत उस्मान ने गनी रजी अल्लाह, सारे पढ़ो रजी अल्लाह तआला, रजी अल्लाह तआला अन्हो। ओ मुसलमानो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यारा उस्मान ने, आमीना दिलाल फरमांदे ने, उस्मान तुसी मदीने दे अंदर रहने, मेरी बेटी रुकैया दियां तिमारदारियां करनियां ने, रुकैया बीमार है। ते हजरत उस्मान कहंदे ने, सोणिया लोकी की कहणगे, अपने दमाद नो छड़ के जा रहे बदर दा मारका, बदर दा मारका। मैं बदर दी अल्लाह अकबर अल्लाह बदरियां दी अजमत शान मुकाम तो पीछे रह जावांगा। मेरे नबी फरमांदे ने, ना उस्मान, मैं अल्लाह दा नबी तेरे नाल वादा करना वा, तेनू बदरियां दा सवाब भी मिलेगा, तेनू माले गनीमत भी मिलेगा। ते फैसलाबादियो पता जे बदरियां दे बारे अल्लाह दा कुरान कहिंदा है, भावे नेकी करन ते भावे गुनाह करन, ए पक्के जन्नती ने। उची बोलो बदरी पक्के, नहीं बोले बदरी पक्के, बदरी पक्के जन्नती ने। मेरे नबी बदर दा मार का लाड़े ने। मुसलमानों रब्बे कायनात दी कसम, मैं नबी दे मिंबर ते खलोता हूँ, पुत्र भी अपने वाले दैन नाल बड़ा प्यार करते ने, लेकिन बेटियां दा प्यार अनोखा, बेटियां दा प्यार अनोखा। बेटियां दा अल्लाह दी कसम अपने वाले दैन दे नाल रब्बे कायनात ने अंदाज ही वखरा बनाए। हजरत रुकैया मौत दे बिस्तर ते लेटियां ने, ते बार बार कहिंदियां ने, आंदियां ने, उस्मान मैनू छड्डो, जाओ पता करके आओ ना मेरे अबू जी दा की हाल है। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दी खबर लेके आओ। हजरत उस्मान जांदे ने, खाली मुड़ के आंदे ने, रुकैया फिर भेज देंदियां ने। ये मामला बार बार चलता रहा, जदों आखिरी वारी गए ने खुशखबरियां मिल गईं। फैसलाबादियो इधर उस्मान खुशखबरी लेके आए ने, इधर हजरत रुकैया वफात पा गईं। इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों मेरे उस्मान आए ने, मैं रुकैया नो खुशखबरी सुनावा। अल्लाह ने बदर दा मारका जता दिते, अल्लाह दे नबी फाते होके अल्लाह मदीना पाक आ रहे ने, लेकिन आदियां नूं हजरत रुकैया दी रूह परवाज कर गई। सैयदना उस्मान हजरत रुकैया दे कफन दफन दा इंतजाम करदे ने। अल्लाह दे नबी दा काफला मदीना पाक अंदर, ओए लोको मेरा नबी फाते बन के आ रहे। बच्चे भी इस्तकबाल करते ने, वड्डे भी इस्तकबाल करते ने, अपने भी इस्तकबाल करते ने, बेगाने भी इस्तकबाल करते ने, छोटे बड़े इस्तकबाल करते ने। पर मेरे नबी दियां नजरां उस्मान नूं लभदियां ने, अपनी बेटी रुकैया दा दीदार करना चाहदियां ने। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम कोलों रिहा ना गया, फरमाया मदीने वालेओ मेरा उस्मान नजर नहीं आउंदा। अल्लाह दे नबी रुकैया वफात पा गईयां ने, उस्मान तदफीन दे अमल अंदर मशगूल ने। मेरे नबी ने अपने सवारी दा रुख अल्लाह कब्रस्तान दी तरफ मोड़िया, उस्मान कब्र ते मट्टी डाल रहे ने, कपड़िया नूं मट्टी लगी हुई है। ते उठ के मेरे नबी नूं सीने नाल ला लिया। उस्मान रोई जांदे ने, रोई जांदे ने, ते मेरे नबी दलासा देंदे ने, उस्मान चुप कर जे। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, उस्मान सबर कीज,
जीए। फरमाया सोने सबर किवें करा, अल्लाह के नबी जी अपने अथरुआ किवें रोका। अगे मदीने के बाजारा चो लंघना सा, लोग कहते सन ओ वेखो ओ नबी का लाडला दमाद पिया जांदा है, नबी का सोना दमाद पिया जांदा है। हुण लोग कहणगे मदीने का सब नालों वड्डा ताजर पिया जांदा है, मक्के का अमीर तरीन आदमी पिया जांदा है, उस्मान बिन अफान पिया जांदा है। मेरियां निस्बतां तुहाडे नाल टुट गईआं, मेरे नबी रो रहे ने ते रोंदिआं रोंदिआं आपदी दाड़ी मुबारक अथरुआं नाल तर हो गई है। फरमाया उस्मान अल्लाह मैनूं 40 बेटियां होर देंदा, मैं यके बाद दीगरे एक एक करके तेरे निकाह दे अंदर दे देंदा, ये कौन उस्मान है? फरमाया लोको जिस हाथ दे नाल मैं अल्लाह दे नबी दी बैत की है उस हाथ नो कदी अपनी शर्मगाह दे नेड़े नहीं ले के गया। गुसलखाने दे अंदर भी गुसल कीता ते कपड़िया समेत गुसल कीता। अल्लाह दे नबी ने ख्वाब वेखीए, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने सहाबा मैं ख्वाब वेखीए, मैं बैतुल्ला दा तवाफ पिया करना, सफा मरवा दियां साइयां पिया करना, हजरे अस्वद दे बोसे पिया लैना। इहदा मतलब है अल्लाह मैनू उमरे का हुक्म दे रहे ने, सहाबा तैयार हो जाओ उमरा करना है, उमरा करना है। 1400 सहाबा मेरे नबी दे नाल हुदैबिया दे मुकाम ते पहुंचे ने, ते मक्के वालिया ने खालिद बिन वलीद नू लश्कर दे के रवाना कर दिता। अल्लाह दे नबी ने रस्ता बदलिया, हुदैबिया दे मुकाम ते आपने पड़ाव डालिया। फरमाया उस्मान उस्मान अल्लाह अकबर, अल्लाह सफीर बन के जाओ ना, ते जाके मक्के वालिया नू समझाओ ना, असी लड़न वास्ते नहीं आए, असी बगैर तलवारा तो आए हाँ, बगैर कमाना तो आए हाँ, बगैर तीरां तो आए हाँ, बगैर नेज़ियां तो आए हाँ, बगैर ढालां तो आए हाँ, बगैर जंगी साजो समान तो आए हाँ, असी तवाफ करने ते मुड़ के चले जाने। ओ फैसलाबादी ओ पता जे सफीरों नू बनाई दे, जिंदे ते पूरा यकीन होवे, जिंदे ते पूरा एतमाद होवे, अल्लाहु अकबर अल्लाह जिंदे ते दिल मनदा होवे के गणबण नहीं करेगा। अल्लाह दे नबी दा उस्मान मक्के पहुंचया, हरमे पाक दा सेन है ते मक्के दे सरदार इस्तकबाल करदे ने, आंदे ने उस्मान जी आया नो, ओए उस्मान पहले तवाफ कर ले फिर गल करांगे, पहले हजरे अस्वद चुम ले फिर गल करांगे, पहले सफा मरवा दी साई कर ले फिर गल करांगे, पहले जम जम पी ले बैतुल्ला दा बुआ खोल देने आ, अल्लाह अकबर अल्लाह अंदर बढ़ के भी इबादत कर ले। ते उस्मान फरमांदे ने ओए मक्के वाले ओ मैं उमरा करन नहीं आया, मैं ते अपने नबी दी गुलामी करन आया वा, तुहानू दसन आया वा, असी लड़न नहीं आए, उमरा करन आया ते उमरा करके चले जाने। मक्के वाले आंदे ने ना उस्मान तू उमरा करने ते एक वरी नहीं 10 वरी कर ले, पर तेरे नबी नू असी उमरा नहीं करन देना। हजरत उस्मान फरमांदे ने ओए लोको किसे भुलेखे दे अंदर ना मारे जाना, अल्लाह अकबर अल्लाह मैं अपने नबी तो बगैर बैतुल्ला दा तवाफ नहीं करना, हजरे अस्वद नू नहीं चुमना। सरकार जे ना हो सन मैं ना तवाफ कर सा, सोने दे नाल जी सा सोने दे नाल मर सा, सोने दे नाल जी सा ओए सोने दे नाल मर सा। उस्मान दे दिल दे अंदर, उस्मान दे दिल दे अंदर किन्ना दर्द मुस्तफा दा, रुतबा है रब वदाया वदाया, रुतबा है रब वदाया उस्मान बाहया दा, जिस दा हया करें दे
ओए फलकां दे नूरी सारे पिंडली छुपा के सोने ओए दसिया है नाल इशारे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी अपने हुजरे पाक अंदर ने ओ फैसला बादियो दरवाजे ते दस्त कोई आवाज आंदी है कौन है अल्लाह दे नबी अबू बकर आए ने मेरे नबी उंजी बैठे रे ने अबू बकर बैठे गल्लां कीतियां चले गए फिर दरवाजे ते दस्त कोई है मेरे नबी पुछदे ने कौन है मेरे दरवाजे ते आण वाला सोने उमर आए उमर आए अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने कान दियो अल्लाह दे नबी कोल बैठे चले गए गल्लां कीतियां तीजी वारी फिर दरवाजे ते दस्तक होई फरमाया कौन है फरमाया सोनिया तेरा लाडला उस्मान आए अल्लाह दे नबी उठ के बह गए अपनी पिंडली मुबारक ते कपड़ा कर लिया अम्मा जी ऐशा रजी अल्लाह तआला ओ जिन्ना दी मां है पढ़ो रजी अल्लाह तआला अनहा फरमांदियां ने सोनिया मेरे मां बाप कुर्बान जावन अबू आए ने उवें बैठे रहे हो उमर आए ने उवें बैठे रहे हो जदों उस्मान आए ने उठ के बह गए हो अपनी पिंडली ते कपड़ा कर लिया फरमाया नी है शाह अगर मैं उवें बैठा रहिंदा उस्मान ने गल कीती हो बगैर ही चले जाना सी नाले जिंदा हया आसमान दे फरिश्ते करण मैं उंदा हया क्यों ना करा ओ जिसदा हया करिंदे फलकां दे नूरी सारे ओ पिंडली छुपा के सोने दसिया है नाल इशारे क्यों नहीं हया करिंदे क्यों नहीं हया करिंदे सरदारे अंबिया दा रुतबा है रब वदाया वदाया रुतबा है रब वदाया सखिया दे बादशाह दा उस्मान प्यार वांगू ओए मजलूम और कोई नहीं ओए चालिया दिना दा प्यासा मखदूम और कोई नहीं उस्मान प्यार वांगू मजलूम और कोई नहीं ओ चालिया दिना दा प्यासा मखदूम और कोई नहीं ओ जिन्ना शहीद कीता ए टोला यहूदियां दा निकले लहू दे कतरे ओए कुरान ते जा समाए फसा यकफी काहू मुल्ला हो बिस्तर ते जा लठाए फसा यकफी काहू मुल्ला हो बिस्तर ते जा लठाए करदारे आ तलावत करदारे आ तलावत हर कदरा बावफादा रुतबा है रब वदाया वदाया रुतबा है रब वदाया उस्मान बाहयादा लकद रजी अल्लाहु अनिल मुक्मिनील लकद रजी अल्लाहु अनिल मुक्मिनीना इज يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے نے مکے تو چند میل دا فاصلہ عقیدے دی بات نبی پاک دا خبر پہنچی کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے اللہ دے نبی رو رہے نے تے نالے صحابہ کولوں بیعت لے رہے نے بیعت بیعت کادی موت دی پوچھی بولیو کادی یا عثمان دا بدلہ لواں گے یا اسے رائے شہید ہو جاواں گے یاد رکھو جڑا بندہ نبی پاک نو عالم الغیب سمجھ دے اوندا اے عقید ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک نو پتا سی کہ عثمان زندہ نے تے بیعت جھوٹھی ہے استغفر اللہ آمینہ دے لال رو رہے نے اور بیعت لے رہے نے مولوی آندا ہے علم غیب سی جی علم غیب سی تے پھر بیعت قادی بیعت اللہ فرماندے نے فعلم ما فی قلوبہم انہ دی بیعت اللہ نو ایسی پسند آئیے اللہ نے 1400 جنت چواڑ چھڑے ہیں اللہ اکبر نبی علیہ السلام آخر دے فرما صحابہ اے میرا ہاتھ ہے اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے اگر ایتھے ہوندا تے بیعت ضرور کردا اللہ دے نبی اتنی گل کیتی ہے تے قرآن آ گیا فرمایا سونے ہاں گھبراؤ نا عثمان نو کچھ نہیں ہویا پر عثمان دی وجہ تو اللہ نے 1400 نو جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے تو عثمان دے جنتی اونچے شک کرنے جا کے اپنے باپ دی تلاش کر عثمان خدا دی قسم اگر نبی دے یار جنت چ نہیں جانے تے کسے بھی جنت چ اچھی بولے ہو کسے بھی جنت چ اللہ جنہ دا محل اللہ دے نبی نے اپنی زندگی دے اندر دس چھڑے او جڑے آج بھی جنت چ ستے نے ما بین بیتی و ممبری روزہ تم میرے عادل جنہ تیری تے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی اوے گوڑے چھڑو تے پڑھو رضی اللہ تعالی جنہ دی ماں ایک وری سجا چوکے زیارت کراؤ رضی اللہ تعالی صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر ماں تیرے عائشہ نبی کا ساتھ ہے پایا نبی کا ساتھ ہے پایا تو امی آپ اچھی ہے تیرا حجرا بھی اچھا ہے تیرا حجرا بھی اچھا ہے تو امی آپ سچی ہے تیرا بابا بھی سچا ہے تیرا بابا بھی سچا ہے یہ سچوں کا گھرانہ ہے نبی نے خود یہ فرمایا نبی نے خود یہ فرمایا آج کل جیلم دائے کو کتا جندہ پٹا کھلے آئے اللہ اکبر اللہ پہلے حضرت معاویہ دے پہنک دا سی مردہ جیلمی مردہ ثانی اس دور دا سب نالو وٹا فتنہ لانتی پہلے حضرت معاویہ نو باغی کیندہ سی ہن نعوذ باللہ اممہ جی عائشہ دے بارے بکواس کر دے کہ اممہ جی عائشہ ہے تے جنتی پر نعوذ باللہ باغی نے کہو اللہ دی لانت اچھی بولو اللہ دی نہیں بولے ہو دوما مرزیاں تے اللہ دی سچا چوکے غیرت نے شادہ پتر بولے دوما مرزیاں دی اللہ دی لانت اللہ دی لانت پتا جے عائشہ کونے عائشہ کونے اممہ جی رو رہی آنے رو رہی آنے اممہ جی رو رو کے کہہ رہی آنے مالکہ بھی
बीबी मरियम ते तोमत लगी तू नबी ईसा को गवाइया दवाइया मैं तेरे लाडले नबी दी बीवी आ मैं तेरे सिद्दीक दी धीआ अल्लाह सोने मेरे बारे कुरान क्यों नहीं आंदा मेरे बारे गवाइया क्यों नहीं आंदा लगी तो हमत जो मरियम पे दी बच्चे ने गवाही है दी बच्चे ने गवाही है मेरे बारे मेरे अल्लाह क्यों चुप तेरी खुदाई है क्यों चुप तेरी खुदाई है अल्लाह फरमा देनी ऐशा वो मरियम थी तू ऐशा है तेरा ऊंचा मुकाम ऐशा तेरा ऊंचा मुकाम ऐशा तेरा बाबा सिद्दीक अकबर शोहर खैरुल इनाम ऐशा शोहर खैरुल इनाम ऐशा शोहर खैरुल इनाम ऐशा तू कितनी शान वाली है तेरी शान में कुरान आया तेरी शान में कुरान आया 40 दिन गुजर गए ने अम्मा ने कुछ नहीं खादा अम्मा ने कुछ नहीं खादा वे मुआविया नू बागी कहन वाले हो हजरत मुआविया दियां पेलियां सफा दे अंदर खलोन वाली माँ ऐशा जे अल्लाह दी कसम हलाल ज्यादा होवे ते अपनी माँ दे बारे बकवास नहीं कर सकता अम्मा जी ऐशा रो रही ने हड्डियां दा ढांचा बन गई ने ते हजरत उमर बैठे हुए ने मेरे नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने ओए उमर तू ही ऐशा दे बारे कुछ दसना हाय उमर मैं तेरी अजमतों कुर्बान जावा उमर कहिंदे ने सोणिया मैनू बहुतियां गल्लां दा नहीं पता दो गल्लां दा जवाब दे दियो तुहाडा निकाह कराण वाला कौन है अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लाह उच्ची बोलो कौन है फरमाया अल्लाह ते फरमाया अल्लाह तुहाडे बिस्तर ते किसे नापाक औरत दा इंतखाब नहीं करेगा मेरे नबी दे चेहरे ते मुस्कुराहट आईए ते अल्लाह दे नबी सीधा ऐशा दे घर आ गए ने फैसला बादियो इत्थे फिर अकीदे दी सलाह करियो अल्लाह दे नबी ने आके ए नहीं आखिया के ऐशा मैनू तेरी सफाई मिल गई है अल्लाह दे नबी आके फिर पुछदे ने नी ऐशा इंसान खता दा पुतला है कोई गलती हो गई है ते ऐशा दस रब कोलों माफिया मंग लईए ते अम्मा जी रोकियां दियां ने वल्लाहुल मुस्तान वाला मा तसिफून अम्मा जी ऐशा रो पैंदियां ने इधर मेरे नबी ते वही दी कफियत तारी हो गई अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने वल्लाहु इद समिया तुमहु कुलतुम मा यकूनु लना अतकल्लम बिहाजा अतकल्लम बिहाजा अतकल्लम बिहाजा सुबहान कहाजा बोहतानु नाजीम अल्लाह दे नबी ते भई आ गई है ते अम्मा जी ऐशा दी अम्मी कहंदियां ने नी ऐशा चल नबी पाक दा शुक्रिया अदा कर दे अम्मा जी रो के आंदियां ने ना अम्मा मैं शुक्रिया उस रब दा अदा करांगी जिन्ने मेरे बारे कुरान नाजल फरमाया अल्लाह सोणिया ए फैसला बादी ए सवाल कर दे ने तेरे सामने कोई एक मिनट रोवे कोई दो मिनट रोवे कोई तीन मिनट रोवे कोई एक अथरू बहावे कोई दो अथरू बहावे तू जहन्नम दी अग हराम कर देना मेरी मां 40 दिन रोईए 40 दिन रोईए अल्लाह ऐशा दे 40 दिनों का मुल कौन पाएगा
ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ ਰੋਨੇ ਕਾ ਐਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮੁੱਲ ਡਾਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮੁੱਲ ਡਾਲੂੰਗਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਮੈਂ ਮਦਨੀ ਕੋ ਸੁਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਹਾਂ ਮਦਨੀ ਕੋ ਸੁਲਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਕਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੂਰ ਵਲ ਕਲਮ ਵਮਾ ਯਸਤੁਰੂਨ ਮਾ ਅੰਤਾ ਬਿਨਿਅਮਤਿ ਰੱਬਿਕਾ ਬਿਮਜਨੂਨ ਵਇਨ ਲਕਾ ਲਅਜਰਨ ਗੈਰਾ ਮਮਨੂਨ ਵਇਨ ਲਕਾ ਲਅਲਾ ਖੁਲਕਿ ਨਾਜ਼ੀਮ, ਤੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਕਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਕਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਸਿਦੀਕ ਅਕਬਰ ਕੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਨਬੀ ਕੇ ਘਰ ਖੁਦਾ ਲਾਇਆ, ਨਬੀ ਕੇ ਘਰ ਖੁਦਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਂ ਯੂਰੀਦੁੱਲਾਹੁ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਬਾਨਕੁਮ ਰਿਜ਼ਾ ਅਹਲਲ ਬੈਤੀ ਵਯੁਤਹਿਰਾਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ। ਐਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਮੋਮਿਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਮਿਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਐਸ਼ਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਐਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਵਹੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ। ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲੇ ਸਹਾਬਾ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ। ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅੰਮੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਿਸੇ, ਉਹ ਤਹਰਮ ਤਹਰਮ ਨਵਰਾ ਦਿਸੇ, ਉਹ ਤਹਰਮ ਤਹਰਮ ਨਵਰਾ ਦਿਸੇ ਤੇ ਹਬੀਬਾ ਹਬੀਬੇ ਖੁਦਾ ਦਿਸੇ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਾਕ ਰੂਪਟਾ ਬਦਰ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਦਾ ਪਾਕ ਰੂਪਟਾ ਬਦਰ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਦਾ ਪਾਕ ਰੂਪਟਾ ਬਦਰ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਿਆ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋਸ ਰੋਬਟੇ ਦੀ, ਕਿਆ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋਸ ਰੋਬਟੇ ਦੀ, ਜਿੰਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਿਸੇ। ਗੱਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸਮਾਨ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨਾਏਗਾ, ਉਤਾਰੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੂਵੇਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ, ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ 700 ਊਂਠ ਲਦਿਆ ਲਦਾਇਆ
300 घोड़ा फरमाया नगद सोने ना भरी थैली आमिना दे लाल दे कदमा च रखी मेरे नबी उस्मान दा दिता होया माल उल्ट पुल्ट कर रहे ने ते कह रहे ने मां जर्रा उस्मान मा अमिला बाद अल यौम ओ उस्मान दुनिया दे कुत्ते भौंकदे ने भौंकदे रहण अज तो बाद कोई नेकी ना भी कर अल्लाह ने तेरे नामे जन्नत ला छड़ी कौन उस्मान मदीने मुसलमान हिजरत करके आए ने ते पानी नू तरसदे ने फरमाया जड़ा मिठे पानी दा कुआं खरीद के देवे मैं जन्नत दी बशारत देना हजरत उस्मान खरीद के देण वाले मस्जिद नबवी दी तौसीह करन वाले सब तो पहले मस्जिद नबवी अंदर चरागा करन वाले सैयदना उस्मान ने गनी रदी अल्लाह ताला अनहो समुंदर दे विच हजरत मुआविया नू जिहाद करन दा हुक्म देण वाले हजरत उस्मान ने गनी रदी अल्लाह ताला अनहो अंगूठी कुएं च गिर गई अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ओ पिया जांदा जे जदो दुनिया तो चला जाएगा ते फितनिया दा इंज दा दरवाजा खुलेगा फिर मुड़के दोबारा बंद सहाबियां दा मैं भज के वेख्या ते अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर उची बोलियो सैयदना नहीं बोलदे सैयदना केड़ा वादा कर दे अल्लाह पुत्र दवे नाम रखना है उमर हुसैन सजा चुको दरा माशाल्लाह ओ बाबे ओ की ना रखना है उची बोलो उमर उमर ते हुसैन दा बड़ा जोड़ है उमर बहनोई है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो दा अली दा दामाद है कोई माई दा लाल इनकार कर सकदा कयामत तक नहीं कर सकदा उम्मे कलसूम बिनते फातिमा बिनते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर दे कार ने गल दूर चली जाएगी फरमाया जदों दुनिया तो चला जाएगा फितनियां दा दरवाजा हाय उमर जेड़ी गली विचो लंघ जाने तेरे ईमान दी वजह तो शैतान उची बोलियो शैतान उमर ते नाम तो डरन कुफर दिया कुल जाता उमर कुमर है उमर कुमर दिया क्या बाताओ उमर कुमर है उमर कुमर दिया क्या बाताओ पुत्र हलाली मावां दे जाना फिदा कर दे ओ चंगिया नस्लां वाले उमर दा हया कर दे चंगिया नस्लां वाले उमर दा हया कर दे लानती आप दसावण अपनिया औकाता उमर कुमर है उमर कुमर दिया मुंदरी गुम हो गई दो दिन तीन दिन तक तलाश करते रहे पर लभी क्योंकि गवाची सी अल्लाह दे हुक्म नाल किंदे हुक्म नाल फरमाया मेरा दौर बेहतर मेरे तो बाद मेरे सहाबा दा दौर बेहतर मेरे सहाबा तो बाद ताबियां दा दौर बेहतर अल्लाह अकबर अल्लाह मुख्तसर हजरत उस्मान गनी मदीना पाक अंदर ने हज दा मौसम है ज्यादा लोग हज ते गए हुए ने हजरत उस्मान नू घर दे अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह नजर बंद कर दिता गया सैयदना अली आए रजी अल्लाह ताला अंदने उस्मान इजाजत दियो रात होने तो पहले पहले मदीने दा सफाया कर देंगा फरमाया अली मैनू पता है तू शेरे खुदा है खैबर दा हीरो बदर दा हीरो खंतक दा हीरो लेकिन अली मैं इना गंदियां दा गंदा खून मदीने दिया पाक गलियां च डिगण देना हजरत मुआविया आए रजी अल्लाह ताला फरमाया उस्मान चलो चलिए मुल्क के शाम फौज भी ज्यादा मेरे को ताजो तख्त सोना चांदी इनफरादी कुव्वत सब कुछ मौजूद है हालात बेहतर हो गए आ जावांगे फरमाया मुआविया तेरे को सब कुछ मौजूद है पर नबी दी कबर मौजूद मैं अपने नबी नू छड़ के नहीं जाना फरमाया फिर इजाजत दे दियो ए मगरब दी अजान तो पहले पहले इन कुत्तियां दा सफाया कर दिया फरमाया ना मुआविया मदीने दियां पाक गलियां इतने इन्हां लानतियां दा गंदा खून डिगे
मैं उस्मान गवारा नहीं करता। दिने हसन ड्यूटी देंदे ने, रात हुसैन ड्यूटी देंदे ने। हाय अल्लाह, अजमत आले नबी भूल न जाना लोगो, अजमत आले नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बा तो में नया ना लोगो। अल्लाह दी कसम, असी अबू बकर दे भी नौकरा, असी उमर दे भी नौकरा, असी उस्मान दे भी नौकरा, असी अली पाक दे भी नौकरा, असी फातिमा पाक दे भी नौकरा, असी हसन हुसैन दे भी नौकरा, असी ज़ैनुल आबिदीन दे भी नौकरा, असी इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम तकी नकी, हसन अस्करी, मूसा काजम, अल्लाह दी कसम सहाबा दे भी नौकरा, अहले बैत दे भी नौकरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, इसे तरह शाने असहाबे नबी भूल न जाना लोगो, देखना गैर की बा तो में नया ना लोगो, शाने असहाबे नबी शाने दामाद नबी भूल न जाना लोगो, भूल ना जाना, भूल ना जाना, शाने शाने बाना ते नबी भूल न जाना लोगो, शाने अजवाज नबी भूल न जाना लोगो। 18 ज़िलहज्जा, हजरत ने उस्मान फरमाते नी बेगम मैनू ख्वाब अंदर नबी पाक मिले ने, अबू बकर उमर मिले ने, ओए कैसा रोजेदार है, कैसा रोजेदार है जिन्हें रोजा दुनिया ते रखे है, पर अल्लाह की कसम अफतार जन्नत अंदर कीता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम दा उस्मान कहंदे नी, अल्लाह वालिए मैनू नबी पाक की ज़ियारत होइए। अल्लाह के नबी कहंदे ने, उस्मान अज की अफतारी साढ़े नाल करनी हो, मैनू पजामा दे दे। कदी भी पजामा नहीं पहने आ, लेकिन अज पजामा पहन रहे ने, ऊपर कपड़े भी पहने ने। बागियां ने पिछों हमला कर दिता, हजरत उस्मान कुरान पे पढ़ते ने कुरान, इंज तलवार दा वार होया, अम्मा जी ने अल्लाह ने हथ के कीते, आप दियां चार उंगलां कट के जमीन ते गिर पईआं। इक लान दी अगे वधिया, बरछी दा वार कर दे, हजरत ने उस्मान दे सीने तो खून दा फवारा निकलिया, कुरान पाक दे खून जाके गिर दे। ओ फैसला पातियो, मेरा कारी क्या करदा सी, किसे शहीद दी गवाही बदर दा मैदान देगा, किसे शहीद दी गवाही ओहद दा मैदान देगा, किसे शहीद दी गवाही खंदक दा मैदान देगा, किसे शहीद दी गवाही मक्के दा चौक देगा, किसे शहीद दी गवाही तबूक दा मैदान देगा। ओ उस्मान, तेरी शहादत दी गवाही अल्लाह दा कुरान देगा, अल्लाह दा कुरान देगा। हजरत ने उस्मान इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन शहीद हो गए ने, अम्मा जी ने लाने कपड़े दा खत लिखिया, ते खत दे अंदर अपनियां चार उंगलां लपेट के मुल्के शाम दी तरफ रवाना कर दितियां। हजरत ते मुआविया रजी अल्लाह, पढ़ो रजी अल्लाह तआला, रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह दी कसम है, अल्लाह 64,65,000 मुरब्बा मील ते हकूमत करन वाला मुसलमाना दा सब नालों वड्डा हुक्मरान है, जिंदे बारे मेरे नबी ने फरमाया मुआविया जन्नत अंदर उथे होएगा जिथे तेरी भैन उम्मे हबीबा होएगी, ते उम्मे हबीबा उथे होएगी जिथे अल्लाह दा नबी होएगा। अव्वल जैश मिन उम्मती यगज़ून अल-बहरा, सही बुखारी, पर जरा कुरान नू नहीं मानता उन्हें बुखारी का हवाला देने की लोड़। उची बोलो, फरमाया मेरी उम्मत का पहला लश्कर समुंदर का जिहाद करेगा, अल्लाह ने सारे ते जन्नत वाजब कर दी है। लंबी हदीस, उस लश्कर नू तैयार करने वाला कौन है? मुआविया। उची बोलो कौन है? ना मुहब्बत ना बोलो, कौन है? अमीर मुआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो।
फरमाया मुआविया कयामत वाले दिन अल्लाह तेरे चेहरे ते नूर दी चादर डाल देगा। मुआविया अल्लाह तेनू मेरी उम्मत दा सब नालों वड्डा हुक्मरान बनाएगा। मुआविया लगता है तू अपनी भैन नाल ते तेरी भैन तेरे नाल बड़ा प्यार करदी है। जी या रसूल अल्लाह मैं उम्मे हबीबा नाल बड़ा प्यार करना, उम्मे हबीबा मेरे नाल बड़ा प्यार करदी है। फरमाया मुआविया तू ही प्यार नहीं करदा, तेरे नाल जमीन ते मुस्तफा प्यार करदा है ते अरश ते खुदा प्यार करदा है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों भैन दियां चार कटियां हुई उंगलां बहनोई दा खून भरिया खत हजरत मुआविया ने वेखिया, हजारों की तादाद नाल फौजी बैठे ने ते सारियां तलवारां कढ लईआं, जंगे सफीन ते जंगे जमल दा रोला पाण वाले। खुदा दी कसम कोई माई दा लाल अली पाक दी चार साला खिलाफत हजरत मुआविया दा एक जुमला कि मैं अमीरुल मोमिनीन या मैं खलीफा साबित कर दे नबी दे मिंबर ते चढ़ना छड़ देंगा। फरमाया अली अमीरुल मोमिनीन तुसी हो, खलीफा तुसी हो, मैं तुहाडे मुकाबले चाह भी नहीं सकता, पर उस्मान दा कसास चाहिए। हजरत अली उल मुर्तजा भी उस्मान दा कसास लेना चाहते ने, पर मजबूरियां हजारां तलवारां बागी बगावत करते ने। हजरत अली नू मदीना दारुल खिलाफा छड़ के कूफा बनाना पिया, क्यों? जितने भी फितने उठे ने कूफे चो उठे ने, कितों उठे ने? उची बोलियो कितों? हजरत हसन नू जहर देण वाले कूफी, हुसैन नू शहीद करन वाले कूफी, अली पाक नू शहीद करन वाले कूफी, ला यूफी बेईमान दुनिया दे कुत्ते जिन्हां दे अल्लाह अकबर अल्लाह नजद वल मुंह करके मेरे नबी ने बददुआ कीती, ते जिन्हां दे बारे हजरत हुसैन दी भैन जैनब ने बददुआ कीती, अल्लाह मेरे वीर नू मजलूमाना तौर ते शहीद करन वाले कयामत तक इसका मजा चखते रहन, चखते पेने के नहीं, और इंशाल्लाह चखते रहेंगे। हजरत मुआविया और हजरत अली दी जंग अल्लाह दी इज्जत दी कसम कोई सियासी जंग नहीं, कोई तखत दा रोला नहीं, सिर्फ उस्मान दा कसास चाहिए। किसे भाई नू इस बारे कोई इश्काल होवे तो जुमे तो बाद राबता कर लेना, असी कोई बैठक चो लोग के नहीं बैठे, जेड़ी गल करने आं मिंबर ते चौंक चौरस्ते अंदर करने अल्लाह दे फजल दे नाल और दलील रखने आं, असी कोई चोरां दी तरह छुप के सहाबा ते तबर्रा नहीं करदे, असी सहाबा दे भी नौकर आं ते नबी दे घर वालियां दे भी। सजा चुके ज़ियारत कराओ, गल खत्म करिए, नबी दे घर वालियां दे भी ते आखिर ते मुतालबा करने आं। जिस मुल्क दे अंदर कुरान पाक दी तौहीन कीती गई है उस मुल्क दे सफीर नू मुल्क बदर कीता जाना चाहिए, क्यों जी? हुण सजा चुको माशाल्लाह। इस हवाले नाल इंशाल्लाह तुहाडा थोड़ा जिहा टाइम चाहिए, रैली दी सूरत अंदर हिस्सा पाउण वास्ते तैयार होने इंशाल्लाह। चंद मिनट धुप बर्दाश्त करो, मैं दुआ करना अल्लाह कयामत की गर्मी तो महफूज फरमा। केड़ा केड़ा कुरान पाक की मुहब्बत अंदर इस रैली च शिरकत करेगा? सजा चुको गैरतमंद, गोडे छड़ के जे तुसी कुरान वास्ते रैली नहीं कढ़नी ते एकल निकलने उत्ते भी माशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाले एक ऐलान भी है, मैं बाद अंदर दूसरे खुतबे च करांगा। अल्लाह करीम जब तक जिंदा रखी सहाबा और अहले बैत दी मुहब्बत अंदर और कुरान पाक दी मुहब्बत अंदर, आले रसूल दी मुहब्बत अंदर, अल्लाह और उसके रसूल दी मुहब्बत अंदर। व आखिर दावा अना अल्हम्दुलिल्लाह।